सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिजाइनर हैंडबैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डिजाइनर हैंडबैग स्टिच किया है। देखिए फ्रेंड्स, साइड में हमने एक जिप से पॉकेट दी है, इसको हम ओपन करेंगे और ये पॉकेट अंदर से देखिए फ्रेंड्स काफी नीटली स्टिच हुई है और इसमें अंदर की साइड में काफी स्पेस दिया है। इसको हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे और सेंटर में हम देखिए मैग्नेट से इसको ओपन करेंगे। इसमें देखिए हमने फोर पॉकेट्स इसमें दी हैं। सारी पॉकेट्स को देखिए ऐसे हम ओपन कर लेंगे, सारी पॉकेट्स को ऐसे हम ओपन कर लेंगे और सारी पॉकेट्स अंदर से देखिए फ्रेंड्स काफ़ी नीटली स्टिच हुई हैं। ये देखिए सारी पॉकेट्स में अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस दिया है। यहाँ पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा सामान को आप सेट करते हुए इसमें आप रख सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सारी पॉकेट्स इसमें स्टिच हुई हैं। इसमें अपने सामान को सेट करते हुए आप जिप से ऐसे लॉक कर दीजिए। और मैग्नेट से ऐसे हम इसको लॉक कर देंगे, इस हैंडल से इसको कैरी करेंगे। ये हैंडबैग देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर हैंडबैग स्टिच करेंगे। नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द वर्क। हैंडबैग बनाने के लिए हमने 30 का एक क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 30 का हमको एक क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 10x10 का दो क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए 10x10 का दो क्विल्टेड पीस लेना है और ये 10x10 का हमको एक प्लेन पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 10x10 का एक प्लेन पीस लेना है और ये हमने 10x20 का फोर प्लेन पीस लिया है। देखिए फोर प्लेन पीस लेने हैं 10x20 के और ये 2x10 का हमको फाइव क्विल्टेड पीस लेना है। देखिए 2x10 का हमको फाइव क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 10 इंच की फाइव जिप ली है। देखिए 10 इंच की हमने फाइव जिप ली है और सब में हमने रनर डाल लिया है। 10 इंच की हमको एक लेस लेनी है। देखिए फैब्रिक से मैचिंग की हमको एक लेस लेनी है 10 इंच की और ये हमने 18 इंच का दो हैंडल लिया है। देखिए 18 इंच का दो हैंडल लेना है और ये हमने दो मैग्नेट लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो मैग्नेट लेने हैं हमको। सबसे पहले हम 10x10 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इसकी एक साइड से यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए 2.5 इंच पे मार्क करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे इंच पे हमने सीधे मार्क कर लिया है। अब हम इस मार्क वाली लाइन पे सीधे कट कर लेंगे। मार्क वाली लाइन पे देखिए फ्रेंड्स, हमने सीधे कट कर लिया है। अब हम 10 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम देखिए ऐसे रखेंगे, ये सीधा साइड अंदर की साइड में होगा। उल्टी जिप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके जिप को हमने क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब देखिए जिप को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर दाग सिलाई देते हुए हम सीधे स्टिच कर लेंगे। दाग सिलाई देते हुए हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने कट किया था, इसको हम देखिए जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद ऐसे करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे। इस वाले पार्ट को देखिए पहले स्टिच किया, इसके बाद हमने दाग सिलाई देते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हमें 10 इंच की ये लेस लेनी है और लेस को देखिए इस जिप से हाफ इंच थोड़ा सा नीचे डाउन करते हुए यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। देखिए ऐसे सेट करना है और यहाँ पर स्टिच करके इसको हम लेस को इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके लेस को हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब हम 10x10 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को देखिए नीचे की साइड में करेंगे और इस क्विल्टेड पीस को इसके ऊपर रखेंगे
और यहाँ पर सेट करते हुए चारों साइड से स्टिच करके इस प्लेन पीस को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को हमने देखिए क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब देखिए ये पॉकेट हमारी यहाँ पर बनके रेडी हो गई है, इसको हम लॉक कर देंगे। अब देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क लगा लेंगे। इसमें हमने ये सेंटर का मार्क लगा लिया है। सेंटर के मार्क से हम इस साइड यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही दूसरी साइड से भी 2.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। 18 इंच का ये हैंडल लेंगे और हैंडल को देखिए जो मार्क किया है इसके ऊपर हम देखिए ऐसे सेंटर में रखेंगे, ऐसे रखना है। और दूसरी साइड को देखिए दूसरी साइड से ऐसे सेट करते हुए इसी मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और दोनों साइड से स्टिच करके हैंडल को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से स्टिच करके हमने हैंडल को इसमें अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। अब देखिए अब हम 10x10 का दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम हैंडल को अटैच करेंगे। पहले सेंटर का मार्क लगाएंगे, ये सेंटर का मार्क है और सेंटर के मार्क से 2.5 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे और 2.5 इंच इस साइड से मार्क कर लेंगे। अब दूसरा हैंडल लेंगे, ये 18 इंच का हमने हैंडल लिया है और इसको हम देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड से भी यहाँ पर रखते हुए दोनों साइड से स्टिच करेंगे और हैंडल को इसमें अटैच कर देंगे। इस पार्ट में भी हमने हैंडल को स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। 10x30 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको देखिए ऐसे रखेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे और इस पार्ट को ये जो जिस साइड हमने हैंडल अटैच किया है उस साइड हम देखिए ऐसे रखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा इस साइड रहेगा जिस साइड हमने हैंडल अटैच किया है इस साइड रहेगा और इस साइड यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर स्टिच करेंगे। पहले हम पिन लगा लेंगे। इस साइड देखिए हमने पिन से सेट कर दिया है। अब हम पहले देखिए सीधे स्टिच करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए इस साइड स्टिच करेंगे और इसके बाद इस साइड यहाँ पर स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को हम एक साइड से इसमें अटैच कर देंगे। तो हम देखिए पहले इस साइड से सीधे स्टिच करते हुए इसमें अटैच करेंगे। इस साइड देखिए फ्रेंड्स हमने सीधे स्टिच करके एक साइड से इसको अटैच कर दिया है। अब हम फुट को ऊपर की साइड में करेंगे और ये बॉटम वाले पार्ट को ऐसे इस साइड कर लेंगे। देखिए ऐसे सीधे कर लेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम क्विल्टेड पीस को अटैच करेंगे। अब इस साइड भी देखिए फ्रेंड्स हमने सीधे स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम फिर से फुट को उठाएंगे और ये इस वाले दूसरे पार्ट को यहाँ पर ऐसे इस साइड सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स थ्री साइड से स्टिच करते हुए हमने 10x10 के क्विल्टेड पीस को इस वाले पार्ट में अटैच कर दिया है। ये देखिए हैंडल वाला पार्ट हमारा ऊपर की साइड में होगा और ऐसे हम थ्री साइड से स्टिच करेंगे और इस वाले पार्ट में 10x10 के क्विल्टेड पीस को अटैच कर देंगे। अब हम दूसरा ये क्विल्टेड पीस लेंगे 10x10 का और इसको भी हमें ऐसे ही अटैच करना है जैसे इसको अटैच किया है ऐसे ही इसको भी हम क्विल्टेड पीस को अटैच करेंगे। तो देखिए ये हैंडल वाला पार्ट हमारा ऐसे रहेगा, ऊपर की साइड में होगा। पहले हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे, इसके बाद ऐसे कर लेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करते हुए हम थ्री साइड से स्टिच कर लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने सीधे स्टिच करके क्विल्टेड पीस को अटैच कर दिया है। अब हम इस वाले पार्ट को देखिए ऊपर की साइड में ऐसे करेंगे, इस साइड ऐसे सेट कर लेंगे इसको और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसको हम अटैच कर देंगे। अब देखिए इस साइड भी हमने सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब हम देखिए इस वाले पार्ट को ऊपर की साइड में ऐसे सेट करेंगे और इस साइड देखिए सीधे स्टिच करके इस साइड भी हम इसको अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने 10x10 के क्विल्टेड पीस को थ्री साइड से स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है। अब देखिए 10x10 के दोनों पार्ट्स इसमें अटैच हो गए हैं। अब हमें 2x10 का ये क्विल्टेड पीस लेना है, 10 इंच की ये जिप लेनी है
और 10x20 का ये प्लेन पीस लेना है। आप देखिए, ये देखिए जिप का सीधा साइड है, तो उल्टी जिप हम क्विल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम ये प्लेन पीस रखेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने प्लेन पीस और जिप को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे बैक साइड में कर लेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब हम 2x10 का ये दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और ये देखिए ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड है जिप का। अब इसको देखिए हम ऐसे रखेंगे और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। पहले देखिए प्लेन पीस रखेंगे, इसके ऊपर हम जिप वाला पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर ये क्विल्टेड पीस रखेंगे और यहाँ पर सेट करते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे और इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस को सीधे स्टिच करके हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब हम क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे ऊपर की साइड में कर लेंगे और यहाँ पर स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे दी है 10 इंच की। हम अब दूसरी जिप लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे क्विल्टेड पीस के ऊपर और 10x20 का ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और इस साइड हम इसको स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने सीधे स्टिच करते हुए प्लेन पीस और जिप को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। अब इसको हम देखिए ऐसे ऊपर की साइड में करेंगे और ये जो हमारी जो स्टिच लाइन है इसको हम बैक साइड में कर लेंगे। देखिए प्लेन पीस को ऊपर की साइड में करना है और स्टिच लाइन को हम देखिए ऐसे बैक साइड में कर लेंगे और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। दाब सिलाई देते हुए इस साइड भी हमने सीधे स्टिच कर लिया है। अब 2x10 का ये तीसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम देखिए जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को ऐसे देखिए फोल्ड करते हुए पहले हम देखिए प्लेन पीस रखेंगे, इसके ऊपर हम जिप वाला पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम ये वाला क्विल्टेड पीस इसके ऊपर ऐसे रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद ऐसे करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे दी है। अब 10 इंच की हम तीसरी जिप लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, जो जिप का डायरेक्शन है, सारी जिप का डायरेक्शन हमारा एक साइड में होना चाहिए और इसको देखिए जिप को हम इसके ऊपर क्विल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे और 10x20 का ये तीसरा प्लेन पीस लेंगे। जिप के ऊपर हम प्लेन पीस रखेंगे, देखिए ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने स्टिच करते हुए जिप और प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। अब देखिए जो प्लेन पीस है इसको हम ऊपर की साइड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड में हमारा ये प्लेन पीस रहेगा, इसके ऊपर हम जिप वाला पार्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम ये चौथा हमारा ये चौथा ये क्विल्टेड पीस है इसको हम यहाँ पर जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको भी हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद ऊपर करते हुए इसको हम इसमें दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने क्विल्टेड पीस और प्लेन पीस को जिप में अटैच करते हुए इसमें दाब सिलाई दे दी है। अब हम ये चौथी जिप लेंगे 10 इंच की और इसको हम इसके ऊपर क्विल्टेड पीस के ऊपर रखेंगे और 10x20 का ये हम चौथा प्लेन पीस लेंगे और इसको हम देखिए जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको भी हम पहले सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने सीधे स्टिच करते हुए जिप और प्लेन पीस को इसमें अटैच कर दिया है और इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है। अब हम 2x10 का ये पांचवा क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को ऊपर की साइड में ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। पहले हम प्लेन पीस में जिप वाला पार्ट रखेंगे, इसके ऊपर हम ये वाला क्विल्टेड पीस रखेंगे जिप के ऊपर और इसको भी हम देखिए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इसके बाद ऊपर की साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड भी हमने क्विल्टेड पीस को जिप में अटैच करते हुए इसमें हमने दाब सिलाई दे दी है।
अब देखिए, अब हमें ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को हमें लॉक करना है। तो देखिए ये जो जिप वाला पार्ट है, इसको हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और प्लेन पीस को ऐसे हमें यहाँ पर सेट करना है और हाफ इंच यहाँ पर नीचे डाउन करना है। ऊपर जिप की साइड से हम हाफ इंच नीचे की साइड में डाउन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर हाफ इंच पे डाउन किया। अब हम यहाँ पर सीधे स्टिच करके इस साइड से इसको लॉक करेंगे और ऐसे ही सारे पार्ट्स को हमें लॉक करना है। देखिए, हाफ इंच इस साइड से, हाफ इंच इस साइड से सेट करते हुए इस साइड से हम दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और इसको भी देखिए हाफ इंच डाउन करते हुए दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे और इसको भी। और एक पार्ट में हमें देखिए एक साइड से यहाँ पर हाफ इंच पे डाउन करते हुए यहाँ पर स्टिच करके लॉक करना है और एक साइड से हम यहाँ पर देखिए हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.5 इंच तक हम स्टिच करके इसको लॉक करेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये एक साइड से हमारा ओपन रहेगा। तो हम देखिए सारे पार्ट्स को स्टिच करके लॉक करेंगे। तो पहले देखिए हाफ इंच पे ही हमने मार्क किया है, इसको हम ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पर इस साइड से यहाँ पर सीधे स्टिच करके लॉक करेंगे। इसके बाद सारे पार्ट्स को हम ऐसे ही स्टिच करके लॉक कर देंगे। सारी पॉकेट्स को हमने दोनों साइड से स्टिच करते हुए देखिए लॉक कर दिया है। अब सारी पॉकेट्स हमारी लॉक हो गई हैं और एक पॉकेट में हमने यहाँ पर 1.5 इंच पे स्टिच करके यहाँ तक लॉक किया है और ये वाला ये इतना पार्ट हमारा ये ओपन रहेगा और इस साइड से हमने देखिए लॉक किया है। और सारी पॉकेट में फ्रेंड्स ऊपर की साइड से जहाँ पर हमने जिप अटैच की है यहाँ से हाफ इंच डाउन करते हुए हमें ऐसे सीधे स्टिच करके लॉक करना है। ऐसे ही हमने सारी पॉकेट्स को देखिए हाफ इंच डाउन करते हुए स्टिच किया है और इसको हमने लॉक किया है। एक साइड से ये पार्ट हमारा ओपन रहेगा। अब देखिए, अब हमें इस साइड से जो क्विल्टेड पीस है इस साइड का और यहाँ पे हम देखिए हाफ इंच पे नीचे डाउन करेंगे। ये हम हाफ इंच पे डाउन कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम हाफ इंच पे यहाँ पर डाउन कर लेंगे। हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच इस साइड से, दोनों साइड से हमें डाउन करना है। अब हम यहाँ पर मैग्नेट अटैच करेंगे। तो ये मैग्नेट का देखिए पेच लेंगे और मैग्नेट के पेच को हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर रखते हुए इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब हम सीजर लेंगे, सीजर से होल करेंगे और यहाँ पर मैग्नेट को अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए मैग्नेट को अटैच कर दिया है। जो पार्ट हमने इस साइड मैग्नेट का अटैच किया है उसी का दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर अटैच करना है। ये दूसरा मैग्नेट लेंगे और इसको हम देखिए ऐसे अलग करेंगे और इसमें भी पहले हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच इस साइड से, दोनों साइड से हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लेंगे दोनों साइड से अंदर की साइड में और इसको हम देखिए पेज को लेंगे और पेज को हम देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे सेट करते हुए और यहाँ पर पहले पेन से मार्क करेंगे, ऐसे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर मैग्नेट के इस यही वाले पार्ट को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो हम पहले सीजर से होल करेंगे और यही वाला मैग्नेट इसमें हम अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए मैग्नेट को अटैच कर दिया है। फ्रेंड्स देखिए, जो पार्ट हम एक साइड से अटैच करेंगे वही हमें इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर अटैच करना है। दो हमने मैग्नेट लिए थे, अब देखिए दोनों साइड से हमने अटैच कर दिए हैं। अब इसके दोनों पार्ट जो हमारे दूसरा पार्ट है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस साइड भी हम पहले हाफ इंच दोनों साइड से अंदर की साइड में मार्क कर लेंगे। इस साइड भी देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से हमने मैग्नेट को अटैच कर दिया है। अब देखिए जब हम इसको ऐसे लॉक करेंगे तो दोनों मैग्नेट हमारे इसमें ऐसे लॉक हो जाएंगे और सारी पॉकेट ऐसे लॉक हो जाएगी। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। अब देखिए, अब हमें ये क्विल्टेड पीस वाला पार्ट लेना है जिसको हमने स्टिच किया था और ये वाला पार्ट लेंगे और जिस साइड हमने मैग्नेट अटैच किया है उस साइड हम देखिए हैंडल की साइड में ऐसे रखेंगे। ये हैंडल वाला पार्ट है और ये मैग्नेट वाला पार्ट है। ये देखिए, ये मैग्नेट वाला पार्ट है, इसको हम हैंडल वाले पार्ट की साइड में यहाँ पर ऐसे रखेंगे सेट करते हुए और पहले हम पिन लगा लेंगे। इस साइड देखिए हमने पिन से सेट कर दिया है। अब ऐसे ही दूसरी साइड में आएंगे और ये जो पॉकेट्स वाले पार्ट्स हैं इसको हटाते हुए हमें स्टिच करना है। तो हम देखिए पहले ऐसे पिनअप करेंगे और पॉकेट्स वाले पार्ट्स को हमें हटाते हुए स्टिच करना है। तो हम देखिए इसको हटाते हुए यहाँ पर पिनअप करेंगे पहले।
ऐसे इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम देखिए चारों साइड से पिन लगा लेंगे इसमें पहले। देखिए चारों साइड से हमने पिन से सेट कर दिया है क्विल्टेड पीस को। ये देखिए सारे साइड से हमने इसको यहाँ पर पिन से सेट कर दिया है। अब हम पिन को निकालते हुए ऐसे चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ऐसे पिन निकालते हुए हम चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और इसमें हम पॉकेट्स वाला पार्ट अटैच कर देंगे। चारों साइड से हमने स्टिच कर लिया है और जो पॉकेट्स वाले पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हमें देखिए ऊपर की साइड में ऐसे करते हुए स्टिच करके यहाँ से लॉक करना है। देखिए इस साइड से और इस साइड से दोनों पार्ट्स में हमें पॉकेट्स वाले पार्ट्स को ऊपर की साइड में करते हुए यहाँ से स्टिच करके इसको लॉक करना है। अब हम ये जो कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे। देखिए चारों कॉर्नर्स में हम यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। चारों कॉर्नर्स में हमने कट लगा लिया है। अब देखिए एक साइड से हमने ये जिप वाला पार्ट ओपन रखा था। ये देखिए ये हमारा ओपन पार्ट है। इस साइड से हम इसको पलट के सीधी साइड करेंगे। तो पहले हम इस साइड से पहले जिप को ओपन करेंगे। जिप हमने ओपन की, अब इसको हम पलट के सीधी साइड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्विल्टेड पीस को पलट के हमने सीधी साइड कर लिया है। अब जो ये ओपन पार्ट है इसे हम देखिए अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। ये देखिए जो ओपन पार्ट है इसको अंदर की साइड में हम ऐसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करना अंदर की साइड में और यहाँ पर सीधे स्टिच करके इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। इस साइड से हमने सीधे स्टिच करते हुए ओपन पार्ट को लॉक कर दिया है। अब देखिए पॉकेट्स के अंदर हम प्लेन पीस को सेट कर लेंगे। प्लेन पीस को अंदर की साइड में हमने सेट कर दिया है। अब हम जिप को लॉक कर देंगे। अब देखिए ये हमारा हैंडबैग बनके रेडी है। इसको हम मैग्नेट से यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और इस हैंडल से हम इसको कैरी करेंगे। देखिए फ्रंट साइड में एक पॉकेट ये आ गई है और इसको जब हम ओपन करेंगे तो फोर पॉकेट्स हमारी अंदर की साइड में हैं। इसको देखिए ओपन करेंगे तो ये सारी पॉकेट्स देखिए अंदर से काफ़ी नीटली स्टिच हुई है। ऐसे ही हमारी सारी पॉकेट्स नीटली इसमें स्टिच हुई है। ये देखिए सारी पॉकेट्स बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुई है। यहाँ पर अपने हम सामान को सेट करते हुए इसमें अच्छे से रख सकते हैं और ऐसे ही ये भी पॉकेट हमारी एकदम नीटली स्टिच हुई है। इसको हम देखिए मैग्नेट से ऐसे लॉक कर देंगे और ऐसे हम इसको कैरी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत ये हैंडबैग बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।